हेलो एवरीवन, मैं सब साक्षी फ्रॉम सेंडिंग स्टडी अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का सेल चैप्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेल क्या है, किसने डिस्कवर किया था और कैसे। जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे पहले ईंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी है सबसे चीज़ वो है सेल। ठीक है, तो सेल जो है हमारा बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो देखिए सेल किसने डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट हुक था। ठीक है, इन 1665 क्या किया इन्होंने, एक बार कॉर्क लिया स्लाइस का, उसको माइक्रोस्कोप में देखा। ठीक है, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको बहुत सारे हनीकॉम की तरह एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ठीक है, बहुत सारे इस सेल में कंपार्टमेंट थे, तो उन्होंने इस पोर्स का नाम सेल रख दिया। ठीक है, तो सेल किसने डिस्कवर किया, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम रॉबर्ट हुक था। इन 1665 कैसे, उन्होंने एक कॉर्क का स्लाइस लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस लगा के देखा, तो उन्होंने उनको एक टाइनी छोटे छोटे पोर्स हनी कॉम्ब की तरह, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे, उनको वो स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ का नाम सेल रख दिया। तो क्या है सेल, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लाइफ। बिना सेल के हमारी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। सेल से मिलके टिश्यू, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद पूरे हमारे बॉडी का फंक्शन कैरी आउट होता रहता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी सेल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट हो। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मींस ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट हो, उस चीज़ को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या, दे डू नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल्स हो गया। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके एग्जांपल, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, इनके पास कंप्लीट सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम्स, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो सारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। डिफरेंस देखते चलिएगा, जो प्रोकैरियोटिक है वो यूनिसेलुलर है, लेकिन यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे, एनिमल, प्लांट, फंजाई एसेट्रा। तो आइए देखते हैं इन लोगों का डिफरेंस क्या क्या है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, राइट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहला डिफरेंस देखिए, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दोनों एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम, इसमें एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे मल्टीपल। ये क्या होता है, एक और डिफरेंस हो सकता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या क्या आ सकते हैं, इसके एग्जांपल अमीबा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका प्लांट, एनिमल। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक में डिवीजन कैसे होता है, बडिंग के थ्रू होता है या बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। लेकिन यूकैरियोटिक में डिवीजन माइटोसिस से भी हो सकता है और मियोटिक सेल डिवीजन में भी हो सकता है। आइए देखते हैं, कोई भी सेल हो, वेदर ये प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, इनमें ये जो है बेसिक डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, सेल इज एसेंशियली मेड ऑफ फोर मेन कंपोनेंट। जो हमारा सेल होता है वो चार बेसिक कंपोनेंट से मिलके बना होता है। सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स। तो आइए इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, ये है सेल का स्ट्रक्चर। सेल में क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये छोटे छोटे जो आपको क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है, डीएनए है। ये देखिए जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं डॉट 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 डॉट, ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर है। जो ये अपर लेयर दिख रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर,
ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गॉल्गी अपार्टस है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बहुत सारे, ये देखिए जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो आगे सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये था बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सर सबसे पहला पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। जो हमारा सेल का है जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, देखिए ये यही क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये हमारा जो सेपरेट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के मटेरियल को, कंटेंट को सेपरेट रखता है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट, ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। क्यों सेलेक्टिव परमिएबल, मीन्स क्या होता है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ को ही अंदर जाने देता है या कुछ सेलेक्टिव चीज़ को ही बाहर सेल के आने देता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिए मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिव परमिए मेम्ब्रेन, बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। सो द मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिव परमिए मेम्ब्रेन, ठीक है। और देखिए, सम सब्सटेंस लाइक CO2 और O2 गैसेस कैन बी मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। जो हमारा सेल का जो होता है मेम्ब्रेन, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर और बाहर जा सकते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सेलेक्टिव परमिए मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब भी वाटर का H2O का ट्रांसपोर्ट होता है इस सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। क्या करता है, इसका कंसंट्रेशन कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन से जहाँ पानी का ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल के अंदर वाटर का कंटेंट जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है ऑस्मोसिस के थ्रू कैसे वाटर जाएगा, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, ठीक है। हाई से लो कंसंट्रेशन में, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। तो समझ में आ गया कि डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। आइए देखते हैं, इसके बेस पे टोनिसिटी 3 टाइप की होती है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, ऐसा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का जिसमें कि सेल के अंदर का और सेल के बाहर का इन्वायरमेंट सेम हो कंसंट्रेशन, जैसे कि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन सेम हो, दोनों साइड में वाटर, यहाँ से भी पानी बाहर जा सकता है और यहाँ से भी पानी अंदर जा सकता है, इनमें जो होता है वाटर का कंसंट्रेशन सेम होता है, ठीक है। तो देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज दैट हैव द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड पीएच अराउंड द सराउंडिंग, ठीक है। हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन विच हैव लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स देखिए, जैसे ये है हमारा सेल है, ये इन्वायरमेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंट को मैं ब्लू से डोनेट कर देती हूँ। तो जो सेल के अंदर का होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और दो सॉल्यूशन दैट हैव लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग दैट कैन कॉज सेल टू रप्चर ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर। देखिए इसमें क्या होता है, वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है, और हमारे सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है, अब हमारा वाटर धीरे 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 इसके अंदर मूवमेंट करने लगता है। हाइपो में हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि हाइपो या इंडो, इसको इंडो ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं या हाइपोटोनिक भी,
तो इंडो या हाइपो मीन्स पानी का अंदर जाना, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे सेल हमारा धीरे इतना छोटा है, फिर जैसे जैसे वाटर का कंसंट्रेशन अंदर जाता जाएगा, धीरे धीरे सेल बड़ा बड़ा होता जाता है। लेकिन कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि पानी अंदर ज़्यादा जाने की वजह से जो हमारा सेल होता है ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि सेल को रप्चर भी कभी कभी होना पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेल क्या होता है, धीरे धीरे स्वेल होने लगता है। ये प्रॉपर्टीज़ है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, ठीक है। आइसोमिन सेम होता है, ना इसमें सेल श्रिंक होगा और ना ही स्वेल होगा। लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स हाइपो या इंडो, हाइपो को हम लोग इंडो से याद कर सकते हैं, ठीक है, समझने में आसानी होगी। हाइपो को हम लोग इंडो से डिनोट कर सकते हैं। इंडो मीन्स अंदर, तो जब भी वाटर का कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अंदर जाएगा तो क्या होगा, सेल धीरे धीरे स्वेल होने लगेगा। और वही इसका रिवर्स केस होता है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारे जो सेल का कंसंट्रेशन है, देखिए जैसे ये हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो जो हमारा सेल के बाहर का जो वाटर कंसंट्रेशन है बहुत ही कम है, ठीक है, और जो सेल के अंदर का है बहुत ज़्यादा है वाटर कंसंट्रेशन। तो अब इसमें मूवमेंट कहाँ से होगा, मूवमेंट बाहर से, सॉरी अंदर से बाहर होगा, ठीक है। तो जब किसी भी चीज़ से पानी निकलने लगता है तो क्या होगा, वो चीज़ का अमाउंट डिक्रीज होने लगेगा और हमारा जो सेल है वो श्रिंक होने लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में कि जो हमारा सराउंडिंग का कंसंट्रेशन होता है बहुत ही कम होता है और अंदर सेल के कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर आने लगते हैं और हमारा सेल श्रिंक होने लगता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे भी हम लोग चना भिगोते हैं या किशमिश अगर हम लोग पानी में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे जो छोटा किशमिश वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। उसमें पानी क्या करता है, बाहर से अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है और वो स्वेल हो जाता है। वैसे ही अगर हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर उसी ग्रेप्स को रखें तो क्या होगा, इंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस होने लगेगा, ठीक है, और सारा पानी बाहर श्रिंक हो जाएगा सर। तो यही था तीनों टॉनिक सॉल्यूशन। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो हमारा सेल के अंदर पानी जा रहा है तो क्या होगा, इसमें सेल्स स्वेल होने लगेगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाइपरटॉनिक में क्या होगा, एनिमल सेल के अंदर, हाइपरटॉनिक में जो बाहर से सेल है वो पानी बाहर आने लगेगा तो हमारा जो सेल है वो श्रिंक होने लगेगा, ठीक है। और आइसोटॉनिक में तो दोनों साइड से आएगा भी और जाएगा भी, तो सेल हमारा नॉर्मल। यही चीज़ प्लांट सेल में हम लोग दूसरे वे में डिफाइन करते हैं। जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम लोग टर्जिडिटी बोलते हैं प्लांट में, ठीक है, जिसमें कि हमेशा पानी बाहर से अंदर जाता है, सेल क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और प्लाज्मोलाइज्ड सेल किसको हम लोग बोलते हैं, जब हमारे सेल से पानी बाहर आने लगता है, जब सेल श्रिंक होने लगता है, ऐसे स्टेज को हम लोग प्लांट में प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। और फ्लैसिड किसको बोलते हैं हम लोग, जब हमारा पानी का कंसंट्रेशन सेम हो बाहर भी और अंदर भी, ठीक है। तो ये टोनिक के बेस पे था, एनिमल सेल में क्या बोलते हैं और प्लांट सेल में क्या बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल लेयर जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर होता है उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, टफ होता है, रिजिड, ठीक है, ये नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल होता है। और सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सेलुलोज से, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सबसे पहली बात, ये शेप और साइज मेंटेन करता है सेल का, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बिकमिंग फ्लैसिड एंड फ्रॉम ड्राइंग आउट। फ्लैसिड का मीन्स क्या होता है, देखिए फ्लैसिड में जो हमारा वाटर का कंसंट्रेशन ये मेंटेन करता है ताकि हमारा सेल जो ज़्यादा स्वेलअप भी ना हो और ज़्यादा श्रिंक भी ना हो। तो ये सारा फंक्शन सेल वॉल का था। देखिए ये जो है, ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर लेयर क्या है, ये सेल वॉल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग सेल का ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डबल लेयर जो बाहर है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है।
इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए कंटेन करता है, वो क्या होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कब जब दिखाई देता है, जब हमारा सेल डिवाइड होने लगता है, ठीक है। क्रोमोसोम देखिए क्या होता है, क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू, क्रोमोसोम ही एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जिससे जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, तो क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बनाता है, डीएनए के साथ और प्रोटीन के साथ, ठीक है। द फंक्शनल सेगमेंट और कॉल्ड जीन, जीन तो जो डीएनए का बहुत लंबा सेगमेंट होता है, लेकिन जो फंक्शनल शो करता है उसी पार्ट को हम लोग जीन बोलते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोप्लास्ट, ये न्यूक्लियर इन्वेलप और ये न्यूक्लियर पोर। नेक्स्ट देखिए क्या आता है, साइटोप्लाज्म, जैसे ये सेल है तो सेल के साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर सारा सेल ऑर्गेनल्स रहता है, ठीक है। इट इज़ थिक जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज इंक्लोजेस बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड कंटेन ऑल द सेल ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, वो क्या करता है, सेल ऑर्गेनल्स सारा लिया है लेकिन न्यूक्लियस इसमें नहीं आता है। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, द साइटोप्लाज्म मेनली मेड अप ऑफ सॉल्ट प्रोटीन एंड वाटर, जो हमारा साइटोप्लाज्म किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सॉल्ट से, प्रोटीन से और वाटर से। जो एक्वस लिक्विड होता है उसको हम लोग साइटोसोल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग साइटोसोल के नाम से भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स द प्रोटीन सिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसमें क्या बहुत सारे सेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंट होते हैं तो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन भी करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, लिपिड सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, देखिए ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, SER मिलेगा, RER मिलेगा, गॉल्गी अपार्टस मिलेगा, DNA मिलेगा, बहुत सारा चीज़ मिलता है। आइए देखते हैं सेल ऑर्गेनाइज क्या है, एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कंटेन सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड सेल ऑर्गन, अलग अलग फंक्शन जो अलग अलग ऑर्गेनल से अलग अलग फंक्शन शो करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट, ठीक है, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स राउंड और ओब्लॉन्ग बैग, वो क्या करता है, वो ऐसे ऐसे दिखता है, ER, ठीक है। ये भी क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RER बोलते हैं, एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनको हम लोग SER बोलते हैं, ठीक है। इसको स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंस होता है, ठीक है। और रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके लेयर पे राइबोसोम अटैच्ड होता है, इसलिए इसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। द राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, तो इसका फंक्शन क्या होता है, हमारे ER में ही प्रोटीन का मैन्युफैक्चर, प्रोटीन यहीं पे जाके बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और SER का काम क्या होता है, SER हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, लिपिड और द इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो हमारा SER होता है जिसके सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वो फैट मॉलिक्यूल बनाता है या तो लिपिड मॉलिक्यूल या तो कोई भी अगर इंपॉर्टेंट सेल फंक्शन होता है वो SER का काम होता है, ठीक है। सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोजेनेसिस, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। वन फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, The one function of ER is to serve as channel for the transport of material between various region of cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. The function क्या होता है, ये nucleus से cytoplasm में भेजता है या cytoplasm में nucleus में, ठीक है। ER also has function as cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities. तो यहाँ पर कुछ biochemical activities भी होते रहते हैं। देखिए ये है endoplasmic reticulum जिसके सरफेस पे ये ER प्रेजेंट है, इसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यहाँ देखिए ER एब्सेंट है तो इसलिए हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, सिस्टर्नी इस फेस को बोलते हैं, इधर हम लोग ट्रांस फेस बोलते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है गॉल्गी अपार्टस। ये क्या करता है, पैकेजिंग में काम करता है। द गॉल्गी अपार्टस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गॉल्गी, ठीक है। तो इसका नाम किसने पहले रखा था, कैमिलो गॉल्गी, उन्हीं के बेस पे गॉल्गी अपार्टस नाम रखा गया है। ये क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स ऐसे रहता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्नी, इसको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पेस्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड थ्रू द, जो हमारा जो मटेरियल ईआर में पैक हो गया था वो गॉल्गी के थ्रू ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेज ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। तो इसका काम क्या होता है कि जो ईआर से कोई भी मटेरियल बन के आया उसको स्टोर करता है, जब सिग्नल आता है बॉडी से उसको पैकेज करता है। क्या काम करता है गॉल्गी, जो ईआर जो मटेरियल पैकेज करता है, जब सिग्नल आता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे पैकेज करके प्रोडक्ट को वेसिकल के फॉर्म में देता है, ठीक है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गॉल्गी अपार्टस। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गॉल्गी अपार्टस ही क्या करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देखिए ये है गॉल्गी, ये ट्रांसफेज है, ये सिस्टर्नी या सिस फेज है। यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे वेसिकल के फॉर्म में ये प्रोडक्ट को पैकेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, और यही क्या करता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। क्लीनलेस ऑफ सेल, जितने भी जैसे कोई भी हमारे बॉडी में सेल है वो बीमार हो गया है, कहीं फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी में आ गया है, तो उसका तो डिग्रेड होना ज़रूरी है। तो क्या करता है, लाइसोसोम एक बैग की तरह होता है, इसके अंदर इतना डाइजेस्टिव पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि कैपेबल होता है ब्रेक डाउन करने के लिए जितने भी सारे ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसलिए हम लोग इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। क्या करता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में पहले तो तोड़ देता है, उसके बाद जितने भी एंजाइम्स रहते हैं उसको डिग्रेड कर देता है, ठीक है। डैमेज सेल को लाइसोसोम क्या करता है, खा जाता है, इसलिए उनको हम लोग सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। देखिए लाइसोसोम है सिंगल सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में करके फिर उनको एकदम ईजिली डिग्रेड कर देता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द केमिकल एनर्जी पावर द केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल मोस्ट इन यूकैरियोटिक सेल। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं, क्यों, ये जो हमारे बॉडी में एनर्जी करेंसी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जब भी हम लोग रेस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है, उस समय हमारे बॉडी में एटीपी का फॉर्मेशन होता है जो कि जैसे हम लोग को खर्च करने के लिए करेंसी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी करेंसी आती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका अपना अलग से न्यूक्लियस होता है, अपना अलग से डीएनए होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन होता है, इनर आउटर, ये मैट्रिक्स है, ये क्रिस्टी है, ठीक है। अब देखिए प्लास्टिड, प्लास्टिड जो होता है मेनली प्लांट में पाया जाता है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। प्लास्टिड बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मीन्स क्लोरो बेसिकली किसको सिंबल करता है, ग्रीन कलर को, ठीक है। द ग्रीन प्लास्टिड दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्लोरोफिल के थ्रू ही क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ये कलर प्लास्टिक है दैट यूजली कंटेन येलो एंड ऑरेंज कलर। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, वो येलो और ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। आइए देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होता है, ये स्टोर करता है स्टार्च को, ऑयल को और भी बहुत सारे मटेरियल को प्लांट में, ठीक है, ये एनिमल में एब्सेंट होता है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के, क्रोमोप्लास्ट ऑरेंज या येलो कलर का होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये स्टोर करता है स्टार्च को। अब वैक्यूल्स देखिए क्या होता है, जो वैक्यूल्स होता है वो एनिमल टिश्यू में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन प्लांट टिश्यू में बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेन, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल वाइल प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। जो वैक्यूल्स का काम क्या करता है प्लांट में, वो टर्जिडिटी और रिजिडिटी सेल को प्रोवाइड करता है।
जैसे कि अमीबा में होता है जो फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो फूड कंटेन करता है, ठीक है, वो उसको कंज्यूम करता है, और कंट्रैक्टाइल जो भी वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल करने के लिए भी वैक्यूल्स का वो लोग यूज़ करते हैं। देखिए ये प्लांट एनिमल में कितना छोटा सा वैक्यूल्स है और प्लांट में देखिए वैक्यूल्स लार्ज है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।